हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है लाहौर में, और फैसलाबाद में भी बारिश हो रही है। और आज हमारे बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का, मगर बारिश की वजह से हमने इनको स्कूल नहीं भेजा। तो खैर, मौसम काफ़ी ठंडा है, तो हम लोग एक स्पाइसी सा, एक मज़े का जो है चटपटा सा आलू का सालन बनाएंगे, और साथ में देखते हैं हम लोग चावल बना लें, रोटी बना लें या पूरियां बना लें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्याज फ्राई कर लेंगे पहले हम लोग, और यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, तो इन सबको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। अदरक डाल लेंगे, टमाटर और हरी मिर्च डाल के हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इसमें जो पेस्ट बनाया है वो हम डाल देंगे। बिलीव मी, अगर आप इस तरह से अगर आप आलू बनाएंगे ना, जैसे मैं बना रही हूँ, तो बहुत ही यमी बनेंगे। इसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। बाकी हम देख लेंगे कि अगर नमक कम ज़्यादा हुआ तो फिर इसमें डाल देंगे। और मसाले को उस टाइम तक हम लोग भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दें। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, तो बस इस स्टेज पे हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस इनको जो आलू है ना, इनको हमने मैश कर लेना है। मैं दिखाती हूँ, देखिए ये गल तो गए हैं, मगर इनको अच्छे से गलाना है और इनको मैश करना है, ताकि इनकी जो आलू की ग्रेवी ना, वो थोड़ी थिक सी बने। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैशर के साथ मैं ना मैश कर लूंगी, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। हेलो, अच्छा पॉइंट। यहाँ पे मैंने पूरियों के लिए ऑयल गरम कर लिया है, तो देखते हैं, यार रेगुलर आटा है मेरे पास, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, घर पे कोई नहीं है, तो देखते हैं रेगुलर आटे से कैसी बनती हैं पूरियां। क्या बना रहे हो आप? डम्पलिंग्स। हाँ। चलो बनाओ जल्दी से। ये देखिए, पूड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बनी है, इतनी वो नहीं है, हार्ड नहीं बनी, सॉफ्ट है। और साथ में मैंने बनाया है आलू का सालन, और प्याज काटे हैं और अचार है, तो खा के देखते हैं। ना यकीन नहीं हो रहा कि रेगुलर आटे की भी इतनी अच्छी पूड़ियाँ बन जाएंगी। ये हम लोगों ने ना मिक्स किया होता है आटा, वाइट और वो रेड, मतलब कि जो गंदम का आटा, प्योर गंदम का, और दूसरा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।